अच्छा इस क्वेश्चन पे हमें एक बात ध्यान देनी है कि मॉड ऑफ z प्लस टू की वैल्यू जो है वो वन है अगर मॉड ऑफ z प्लस टू की वैल्यू वन दी हुई है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि z प्लस टू की वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ओके okay. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा वन बाय जेड प्लस टू की वैल्यू जो कि आ जाएगी कॉस थीटा माइनस आई थीटा वन बाय थीटा प्लस आई थीटा

इमेजरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन बाय जेड प्लस टू की जो वैल्यू है वो हमें वन बाय फाइव दी हुई है एंड अभी हमें फाइंड आउट हुई है इमेजरी पार्ट ऑफ जेड प्लस वन बाय जेड प्लस टू की वैल्यू साइन साइंटेटा यानी साइन साइंटेटा की जो वैल्यू होगी वो वन बाय फाइव आ जाएगी हमें पता है साइंसक्वाय डेटा प्लस कॉस्क्वा डेटा की जो वैल्यू होती है वो वन होती है तो कॉस्टेटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ऑफ़ माइनस स्क्वाइनसेंटर जेड प्लस टू का बार लिया जेड प्लस टू का complex, uh, लिया, तो हमें मिल गई थीटा माइनस आई थीटा रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू का बार लिया तो वो आ गई थीटा अगर क्वेश्चन पे सिर्फ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू बार होता तो इसके आंसर होते प्लस माइनस लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफ ऑफ रियल पार्ट जेड प्लस टू का बार तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा मॉड ऑफ कॉस्टा दैट इज टू रूट सिक्स बाय फाइव दैट इज ऑप्शन डी एक छोटा सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूं यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी मॉड वैल्यू दैट इज 2 root 6 by 5. Please like and subscribe and thank you.